दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस होती हैं जो कि पर्दे पर दिखाने के लिए अपने किसी भी सीन को जी जान लगाकर पूरा करते हैं, लेकिन कई बार उन सीन्स को करते समय वे अंदर से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते और उन सीन्स को करने की उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। ऐसी बहुत ही कम अभिनेत्रियाँ होती हैं जो कि इसके बारे में खुले में बताने की हिम्मत रखती हैं, क्योंकि इसके कारण उनकी इमेज पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ हम आपको ऐसी ही एक बहादुर अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपनी एक फिल्म में यह सीन करते समय बहुत ही सहम गई थी। यह बात रवीना टंडन और अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान हुई, जब रवीना को बताया गया कि उन्हें फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन करने होंगे। इससे पहले उन्हें बताया गया था कि पूरी फिल्म में अक्षय कुमार उनके साथ काम करेंगे और वह उन्हीं के अपोजिट फिल्म में काम करेंगे। उन दिनों अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन के संबंध काफी अच्छे थे और दोनों के रिलेशनशिप की बातें भी सामने आ रही थी, तो इसलिए रवीना टंडन ने सोचा कि अगर उन्हें अक्षय कुमार के साथ यह सीन करने हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह अक्षय कुमार को काफी करीब से जानती थी। लेकिन जब वह एक दिन फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची तो डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें एक्टर नसीरुद्दीन के साथ भी इंटीमेट सीन करना पड़ेगा। इतना सुनते ही रवीना उलझन में पड़ गई और डायरेक्टर के कई बार कहने पर रवीना वह सीन करने के लिए मान गई, लेकिन नसीरुद्दीन के साथ उनका तजुर्बा बहुत ही बुरा रहा। रवीना को लगा कि नसीरुद्दीन उस सीन का गलत फायदा उठा रहे हैं और जानबूझकर सीन को रिटेक करवा रहे हैं। उस समय रवीना टंडन बहुत डर गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने वह सीन पूरा किया। बाद में उस सीन को लेकर अक्षय कुमार नाराज हो गए और उस सीन को फिल्म से कटवाकर ही माने, क्योंकि उस समय अक्षय और रवीना की शादी की खबरें आ रही थी।